वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस मालिनीज वर्ल्ड और मैं हूं मालिनी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं कि कैसे आप अपने आईब्राउज का जो ग्रोथ है उसको और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं एंड और ज्यादा अपने आईब्राउज को थिकर भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज एक होम रेमेडी तो शेयर करूंगी, साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिसको फॉलो करने से आपके आईब्राउज और भी ज्यादा हेल्दी रहेगा एंड आईब्राउ के जो भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं रहेगा और ठीक वैसे बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ले लेना है 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल, वन टीस्पून कैस्टर ऑयल, 1 टीस्पून ग्लिसरीन और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। और अभी सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा मैंने इस ऑयल को बना लिया है और अभी इस ऑयल को मैं अप्लाई कर लूंगी। अब इसी ऑयल को और ज्यादा क्वांटिटी में बना के भी इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में आपको स्टोर करना होगा या आप 1 मंथ तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं अपने एक फिंगर में थोड़ा सा क्वांटिटी में ऑयल ले लूंगी और दोनों फिंगर में ऐसे थोड़ा सा रब कर लूंगी ताकि थोड़ा सा हीट जनरेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको अपने आईब्राउज में अप्लाई करूंगी और 5 मिनट्स तक इसको मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए आपको रखना है, उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। रात को आप जब भी सोते हैं, सोने के टाइम पे आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो है वो थोड़ा सा अमाउंट में लेके अपने आईब्रोज में अच्छे से लगा के देन आपको सोना है ताकि आपका जो स्किन है आईब्रोज का वो हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चराइज रहे, बिल्कुल भी ड्राई ना हो। आप वीकली एक बार तो जरूर स्क्रबिंग करते ही होंगे। जब भी आप स्क्रब करते हैं आईब्रोज के चारों तरफ का जो स्किन है स्पेशली वहां पे ज्यादा अच्छे से स्क्रब कीजिए ताकि वो जो आपका डेड सेल है वो रिमूव हो जाए एंड आपके वहां पे न्यू ग्रोथ आए हेयर का। एक और होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप 7 to 8 drops ऑलिव ऑयल में उतना ही 7 to 8 drops हनी मिक्स करके अच्छे से अगर आप अपने आईब्रोज में मसाज करते हैं एंड देन वही 30 मिनट्स बाद वॉश कर लेते हैं, या अगर आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। दिन में आपको 7 से 8 glass तक पानी पीना ही है फ्रेंड्स, क्योंकि पानी हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। तो ऑब्वियसली स्किन हाइड्रेटेड रहेगा तो हमारे हेयर भी अच्छा रहेगा, हेयर में ग्रोथ आएगा, चाहे आपके आईब्रोज के हेयर हो या आपके हेयर क्यों ना हो, सब कुछ अच्छा ही रहता है। सो गाइस, अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए और अगर आप और भी अच्छे अच्छे स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब बटन के साइड पे जो छोटा सा बेल आइकन होता है ना उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी तो जाकर आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे गॉर्जियस। बाय बाय।